गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी, जैसे कि किस तरीके से हमारा फूड प्रोडक्शन की नीड कैसे पूरी होगी, फूड कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, फूड के अंदर न्यूट्रिशन कैसे ऐड कर सकते हैं, फूड को और अच्छे से इन्हांस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। हमने बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और आज हमें यहाँ पे देखना है बहुत सारी अलग अलग, लाइक टिश्यू कल्चरिंग है और प्लांट हस्बेंड्री और एनिमल जो हमारी हस्बेंड्री है, इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नॉलेज के बेसिस पे ये टॉपिक आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप यहाँ पे मतलब जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो ना तो आप लोग मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बेसिकली टिश्यू कल्चरिंग एग्जैक्टली क्या होती है, मतलब आपने ये 9th में भी पढ़ा है, आपने ये 10th में भी पढ़ा है, और आपने ये 8वीं क्लास में भी पढ़ा है, इवन टिश्यू कल्चरिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको पहले समझनी है। देखो, बहुत सारी दुनिया में ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम लोग ना मतलब कलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों का। हमने देखा था कि हमने बहुत सारी हाइब्रिड क्रॉस वैरायटीज हम लोग बनाते हैं, और दो दो मतलब प्लांट्स का क्रॉस, सपोज दीज आर दी प्लांट्स ऐसे ही, ठीक है, और इनको कंबाइन करेंगे तो हमें नया प्लांट्स मिलता है। तो इस तरीके से हमें इन प्लांट्स को पहले ढूंढना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमने यही सीखा था कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, कि मतलब कौन कौन सा बेस्ट प्लांट होगा, किसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होंगे, और किस तरीके से हमें सेम इनफैक्ट जीन्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते थे, ठीक है। ये पहले हमें कलेक्शन करने से पहले डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, जिसमें से एक टिश्यू कल्चर भी हमारा एक डिफरेंट टेक्निक ही है। इनफैक्ट बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा जो टिश्यू कल्चरिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। अब मैंने ये आपको चैप्टर नंबर 12 में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि व्हाट इज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए, कि जो हमारा इस टेक्निक में आखिर होता क्या है कि हम लोग सेल को आइसोलेट करते हैं, टिश्यू को आइसोलेट करते हैं, या फिर ऑर्गन को आइसोलेट करके, और उसे इन विट्रो उसका फर्टिलाइजेशन करते हैं, या फिर इन विट्रो हम उसका ग्रोथ करवाते हैं। इसका बेसिकली सॉलिड या फिर लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इसे रखते हैं, और फिर इसका हम ग्रोथ करवाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि यार आपके पास रोज है, रोज गुलाब का फूल, आपने सब जानते रहोगे गुलाब क्यों यूज करते हैं, आप जानते रहोगे, ठीक है। सो जो रोज होता है इसको कैसे उगाते हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर में अगर किसी को रोज लगाना है तो क्या करेगा वो, ठीक है। सो गुलाब का फूल कैसे लगाओगे, तो क्या करते हैं हम लोग, गुलाब के फूल की जो हमारी मतलब पत्तियां होती हैं, पत्तियां देखो किसमें लगी रहती है, ब्रांचेस में, उन ब्रांचेस को कट करके सीधा ले जाके हम लोग सॉलिड में डाल देते हैं मिट्टी में, और वो उग जाता है। ऐसा करते कि नहीं करते, आई होप आप सबको पता होगा जिसने गुलाब का फूल अपने लाइफ टाइम में कभी लगाया होगा। तो वो भी एक टाइप का टिश्यू कल्चरिंग का ही टाइप है, बट फिर भी टिश्यू कल्चरिंग में हम लोग अगर करते हैं, अगर हम बेसिकली साइंटिफिक तरीके से करें, तो हम फिर अपना कुछ ना कुछ केमिकल और अच्छा प्रोडक्शन के लिए हम सारी चीजों का इस्तेमाल करते ही हैं। बेसिकली जिस भी प्लांट में, अगर मान लो आपके सामने कोई प्लांट है, उस प्लांट का कोई भी अगर आप हिस्सा इस्तेमाल करते हो कोई नया प्लांट को आगे बड़ा करने के लिए, उसी प्लांट को हम एक्स प्लांट कहते हैं। व्हाट इज एक्स प्लांट, तो हमारा एक्स प्लांट वो पार्ट कहलाता है प्लांट का जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चरिंग के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। बेसिकली होता क्या है ना कि कोई भी प्लांट्स का जो टिश्यू हम जिसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसे कि हम लोग के पास हमारे पास रहता है जो हमारा मतलब रोज का ही, सपोज अगर हमारे पास प्लांट है रोज है जो, तो उस रोज का इस्तेमाल भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब उसका कुछ कट करेंगे ब्रांचेस, और फिर ब्रांचेस को हम लोग लगाते हैं मिट्टी में, डायरेक्टली गाड़ देते हैं हम लोग, उसमें अंदर डिप करते हैं, और फिर वो हमारा रोज बड़ा हो जाता है, फिर बाद में गुलाब का फूल निकलता है उसके अंदर से। तो ऐसे कल्चर का मीडियम हमें बनाना पड़ता है, उसके लिए जैसे कि एसेंशियल मिनरल्स होना चाहिए, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर सारा प्रोवाइड होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन उसे देना चाहिए, विटामिन्स, अगार एक जेल होती है आपको पता होगा जिसे हम कैलस भी कहते हैं, ठीक है। ये जेल एक टाइप का जेली होती है, दुकान में मिलती है, ठीक है, जिसे हम कैलस कहते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से यहाँ। तो इन सभी का इस्तेमाल करते हैं प्लांट को, टिश्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि देखो जो हमारा मतलब ये जो डेवलपमेंट है किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ एक्सप्लांट के ऊपर, कि भाई किस तरीके का एक्सप्लांट है। अब मान लो अगर आपके पास हिमालय का कोई प्लांट है, अगर उसको मुंबई में लगाओगे तो क्या वो चलेगा, क्या नहीं चलेगा, हिमालय का अलग ही नेचर है, मुंबई का नेचर पॉल्यूशन से भरा हुआ है, लेकिन हिमालय में कोई पोल्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। ऐसी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, किस तरीके का आप ग्रोथ करवाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे कि एक्सप्लांट का नेचर है, तो यहाँ पे ऑर्गन का कल्चर कैसा है, सेल का कल्चर कैसा है, टाइप्स कैसा है उसका, एम्ब्रायो कल्चर कैसा है, ये सब चेक करना पड़ता है। इन विट्रो के लिए हमें देखना पड़ता है कि कैलस कल्चर जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, सस्पेंशन कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। ऐसे मेंटेनेंस के लिए हमारा एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेशन तो नहीं, यानी कि गंदगी तो नहीं प्रेजेंट है ना, नहीं तो गंदगी रहेगी तो फिर गंदा प्लांट होगा। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी टिश्यू कल्चरिंग। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। सपोज दिस इज दी मदर प्लांट, और इसी प्लांट का कोई भी एक छोटा सा पार्ट निकाल के आप चाहते हो कि इसको मैं डेवलप कराऊं इस तरीके से। तो आपने इसका थोड़ा टिश्यू उठा लिया और टिश्यू को ही आपने ऐसी कल्चरिंग दी, ऐसा आपने इसका ग्रोथ करवाया। कैलस एक अगार जेल होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड मीडियम, ठीक है, ये एक जेल ही होती है सॉलिड टाइप की, इसका इस्तेमाल हमने किया। और इसी का इस्तेमाल करके हमने किसी भी टिश्यू से, ये सारा प्लांट ऐसे नहीं करते, कोई कोई प्लांट ही ऐसा करता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंगो के प्लांट से करवाओगे तो वो नहीं करेगा, मैंगो का प्लांट सीड से ही बड़ा होता है। बट कोई ऐसा प्लांट जैसे रोज का, गुलाब का फूल होता है ना वैसे ही, ऐसे केले का आपने पेड़ देखा होगा, नहीं बनाना ट्री आपको पता होगा ना कैसे, वो भी ऐसे ही होता है कि बनाने का कुछ पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं नया बनाना बनाने के लिए, समझा कि नहीं समझा। तो यही चीजें इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसे आप कैलस इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा नया नया, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्म करना, ऑर्गन मतलब ऑर्गन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ पे रूट्स और शूट्स दोनों आएंगे। व्हाट इज शूट, शूट मतलब ऊपर का पार्ट, रूट मतलब नीचे का पार्ट, और ऐसा जितना हम चाहेंगे उतने बना सकते हैं। दिस इज द हार्डनिंग, मतलब जब हमारे प्लांट अच्छे खासे इसकी स्टेम ज्यादा बड़ी हो जाती है, मल्टीपल प्लांट्स हमें मिल जाते हैं और इनका फिर हम लोग बाद में मिट्टी में इसे लगा के बड़ा कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी चेक की जाती हैं ड्यूरिंग दी टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ कर रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको बहुत सारी कंडीशन को मेंटेन करना है तो आपका टेम्परेचर बेसिकली -18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जो पीएच की वैल्यू है 5 to 5.8 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी पड़ेगी। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ टिश्यू कल्चरिंग की, तो टिश्यू कल्चरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट को बनाने में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी में। तो इन सभी जगहों में हमारी टिश्यू कल्चरिंग की इस्तेमाल होती है। अब बाकी आप पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा। ये मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए हैं कि कहाँ हमारे मतलब टिश्यू कल्चरिंग का जो एप्लीकेशन है, कहाँ हम आप टिश्यू कल्चरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी जगह में टिश्यू कल्चरिंग करके हम प्लांट्स का ग्रोथ करवा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि फॉरेस्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चरिंग बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टिश्यू कल्चरिंग करने का। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ कर चलनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, फिर इसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि देखो अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अगला हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट वाला जिस टॉपिक की मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे, तो जो हमारा अगला टॉपिक है ये हमारा माइक्रो प्रोपगेशन। बट आपको भी बताऊंगा माइक्रो प्रोपगेशन से पहले, बट आप ये जान लो पहले कि जो हमारा टिश्यू कल्चरिंग का एक और एप्लीकेशन होता है माइक्रो प्रोपगेशन, तो आप इसे समझ के रखना है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के टेक्निक को, व्हाट इज एग्जैक्टली माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। सो माइक्रो मींस स्मॉल और प्रोपगेशन मतलब ग्रोथ करना, यानी कि क्लोनल प्रोपगेशन भी हम फिलहाल इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन को। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हम ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। आपने देखा था ना ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, किसी भी प्लांट के छोटे से टिश्यू को निकाल करके बिना सीड, बिना फ्रूट्स, कुछ भी किसी का भी इस्तेमाल किए बिना हम छोटे से टिश्यू को, यानी कि आपको पता है ना टिश्यू क्या होता है, लेयर होती है, स्किन होती है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ऑर्गन का जेनेसिस करवाते हैं, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस करवाते हैं, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाते हैं किसी भी प्लांट्स के। तो यहाँ पर भी हमारा शूट सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, हम जो भी देखो यहाँ पे हमने कुछ भी कट किया था, कोई भी पार्ट कट कर सकते हैं, चाहे वो रूट कट करें, चाहे कुछ भी कट करें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम अभी माइक्रो प्रोपगेशन जो हमारा वो शूट सिस्टम का इस्तेमाल करके ही हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाते हैं। और इसका इस्तेमाल बेसिकली कमर्शियल मेथड्स में होता है, यानी कि जिससे हमको पैसा ज्यादा कमाया जा सके, कंपनी जिसका बहुत बड़ी बड़ी इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा आज के जमाने में प्लांट भी बिकते हैं, हम छोटे छोटे प्लांट्स को उगा करके बेचते हैं, तो इतने सारे प्लांट कैसे उगाए जाते हैं, इसमें भी हम लोग टिश्यू कल्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर माइक्रो प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टिश्यू कल्चरिंग का ही एक पार्ट है। समझ गया ना अच्छे से, तो ये बात आपको समझना है। और इसके लिए हम माइक्रो प्रोपगेशन को क्लोनल प्रोपगेशन भी कहते हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोपगेशन है जो ये इंडिया में बहुत ज्यादा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, लाइक इंडस्ट्रीज में है, या फिर कमर्शियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, या फिर आपको पता होगा जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, क्रिसैंथेमम इसमें इस्तेमाल होता है, या फिर एकेलिप्टस या प्लांट होता है इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स लाइक बनाना है, ग्रेप्स है, सिट्रस है, ये सब के प्लांट माइक्रो प्रोपगेशन से ही पैदा होते हैं।
अगर आप सिट्रस का प्लांट या ग्रेप्स का प्लांट अगर लगाने जाओगे तो ग्रेप्स का भी प्लांट ऐसे ही लगता है, उसका कोई रूट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और फिर हमारा नया नया ग्रेप्स बनता है। महाराष्ट्र के लोग ग्रेप्स के प्रोडक्शन के बारे में तो जानते होंगे, बिकॉज महाराष्ट्र में ग्रेप्स बहुत होते हैं और बनाना भी बहुत होते हैं, ठीक है। अब भुशावल में देखो केले बहुत सारे होते हैं, भुशावल आपको पता होगा, मतलब महाराष्ट्र में भुशावल है, यहाँ पे बनाना बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है, बनाना भी एक टाइप का माइक्रो प्रोपेगेशन का ही पार्ट होता है, तो ये बात आपको समझनी है। नहीं होगा ये चैप्टर ना बहुत आसान चैप्टर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको जनरल नॉलेज मिलने वाली है, ये आपको समझ के रखनी है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग ना मस्त क्या कर रहे हैं, आपके लिए मैंने बहुत सारी नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर रखी है और इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारी चीजें समझाते चल रहा हूँ। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है, ये दिस इज नॉट अ साइंस, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी पहले। चलो अभी हम जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, भाई एग्जैक्टली क्या है एडवांटेजेस माइक्रो प्रोपगेशन के। तो माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लांट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हमारा प्लांट होता है इसका ज्यादा रैपिड मल्टीप्लीकेशन किया जा सके, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ये बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं, मतलब किस तरीके से रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, यही चीजें हम लोग मतलब माइक्रो प्रोपगेशन में हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ये बातें आपको समझ कर रखनी है। हमारा अगला सेकंड पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स जो होते हैं और बहुत सारे शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से ज्यादा स्मॉल स्मॉल स्पेसेस को हम कवर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सीजन्स, अब देखो आपने देखा होगा कि मैंगो अपने सीजन में आता है, कोई कोई मतलब 12 मंथ सीजन वाला भी हमें मैंगो मिलता है जिसे बारहमासी मैंगो कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रीज होते हैं जो अलग अलग सीजन में होते हैं, बट अगर आप टिश्यू कल्चरिंग करते हो तो फिर आप अपने हिसाब से डिजायर के हिसाब से आप उन प्लांट्स को कर लोगे जो कि इंडिपेंडेंट रहेंगे सीजन के, तो ये बातें आपको समझ रखनी है। ऐसे ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी एग्जैक्टली क्लोनिंग बनती है, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर, अगर आप कोई भी जैसे कि एक प्लांट आपके सामने और इसका कोई टिश्यू इस्तेमाल करके आप टिश्यू कल्चरिंग करते हो तो ये प्लांट भी एग्जैक्टली इसके जैसा ही क्लोन बन के निकलेगा, ऐसा नहीं कुछ अलग रहेगा। तो इसमें भी जो जनरेशन रहेगी उसके अंदर भी कांस्टेंट सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, जो सेक्स सुपीरियरिटी होगी वो भी एग्जैक्टली परफेक्टली रहेगी, जीनोटाइप एकदम परफेक्ट रहेंगे। ये सब आपको अच्छे से समझ कर रखना है, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद करके भी रखनी पड़ेगी। सो गाइस अभी हमारा अगला टॉपिक है SCP, जिसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। अपने वर्ड से समझ ले कि प्रोटीन के बारे में आज हमें जानना है, मतलब एग्जैक्टली भाई सिंगल सेल प्रोटीन, एक सेल से कैसे हम बहुत सारी प्रोटीन क्रिएट करेंगे। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का नीड क्यों आई मैं बताता हूँ। देखो आज की दुनिया में प्रेडिक्शन अगर किया जाए तो 2050 तक, अब देखो ये एक GK नॉलेज है, तो अब इसका क्या नोट्स बनाना, ये तो आपको समझाना है बस, है ना यार, आप भी जानते हो। तो 2050 तक, आज से जस्ट 30 साल बाद, इंडिया के लिए पूरी दुनिया की पॉपुलेशन करीब इतनी हो जाएगी, मतलब इतनी नहीं, इतना नीड रहेगी मीट की, नॉनवेज खाते हो ना वही, एंड ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट पर ईयर इतने मिलियन टन नॉनवेज की और डेयरी प्रोडक्ट की। नॉनवेज से और डेयरी प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन तो डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, और मीट से यानी कि जो मछली फिशेस वगैरह खाते हैं उनको भी बात कर रहा हूँ, ये जो खाते हैं, आई एम नॉट नॉन वेजिटेरियन, बट जो खाते हैं उनके लिए, काश ये ना खाएं तो फिर सिर्फ यही खाओ तो मजा रहेगा, है ना, सो कितना अच्छा रहेगा ना। बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, खाओ चाहे मत खाओ, मेरा बताना काम है, बट यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, जो सारी चीजें दुनिया में अगर ग्लोबल डिमांड की जो नीड है उसे अगर मीट करवाना है तो जो मीट का प्रोडक्शन और डेयरी प्रोडक्ट है 2050 तक आपको इतने मिलियन टन प्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा दुनिया में, और अगर इतना प्रोड्यूस नहीं होगा तो भुखमरी मच जाएगी, प्रोटीन कम हो जाएगा, लो एफिशिएंसी होगी प्रोटीन की, कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छे से, फिर प्रॉब्लम आएगी और लफड़ा हो जाएगा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, उसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन का टेक्नोलॉजी लाई गई, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मगर जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब हर कंट्री सफर कर रही है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से। आजकल इंडिया में कितने लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार होकर मर जाते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिसीजेस हो जाती है इन लोगों को, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड है जिससे कि क्रॉप्स के अंदर इंप्रूवमेंट लाया जाए, उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाई जाए। फॉर एग्जांपल क्रॉप इंप्रूवमेंट या यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल करो। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमको बहुत फायदा हुई है और ये सब हमने चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी प्लांट या एग्रीकल्चरिंग से मिलने वाले क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है यही है हमारा SCP, ये बात आपको समझनी है। इसमें बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स लेने पड़ते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग नॉन कन्वेंशनल वे से हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और तो और गाइस, जो एक सिंगल ऐसा मतलब प्रोडक्शन है
एससीपी का, जिसमें हम सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसमें से क्या होते हैं बेसिकली, ऐसा हमको इसकी नीड क्यों पड़ी, जब ही हमारा वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन होने के टाइम पे बहुत सारे लोग मैल न्यूट्रिशन से मरने लग गए, पूरी दुनिया में भुखमरी मच गई और पूरे जितनी भी कंट्रीज थी सभी में प्रॉब्लम आई, जिनकी सभी की इकोनॉमिक कंडीशंस बेकार हो गई वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। आई होप ये सब आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रोटीन की बहुत आवश्यकता थी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, ये ना होती तो कुछ नहीं होता, कहां से ये लोग दुनिया में आ गए पता नहीं, ठीक है। तो इन यूरोपियन कंट्रीज की वजह से दुनिया पूरी बेहाल हो गई, इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया, इनके पास खुद तो क्या बोलेंगे, इनके पास जो दिमाग तो था ही लेकिन कुछ नहीं, ये सब ऐसी बकवास बन गए लोग, ठीक है। बट क्या कह सकते हैं, इन्होंने सबकी वाट लगा के रख दी और इन्होंने वॉर किया, वॉर हार गए। यूरोपियन कंट्रीज ने सभी को पहले से इन्होंने स्लेव बना रखा था, गुलाम बना रखा था, और इसी चक्कर में इन्होंने सबकी वाट लगा दी, मतलब सभी लोगों को प्रोटीन की जरूरत पड़ने लग गई और इन्होंने प्रोटीन की इतनी डिमांड नहीं करवाई, लोगों के अंदर भुखमरी मच गई, खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसी चक्कर में बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसका जिसके वजह से हमें एससीपी जैसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ा। अभी हम समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एससीपी। तो एससीपी का डेफिनेशन है सेल, जो सिंगल सेल प्रोटीन यानी एसी को एससीपी कहते हैं, ये एक बेसिकली क्रूड, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, ये एक रिफाइंड एडिबल प्रोटीन होता है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर से। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर माइक्रोबियल कल्चर से, जो कि चाहे वो डेड हो या ड्राइड सेल बायोमास हो, वहां से हम इसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको समझना है, मतलब माइक्रोब से या फिर किसी और डेड या ड्राइड सेल में से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एससीपी को। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी देखो डेड सेल, जैसे कि अभी आप अपना देखो बादाम है या फिर जितने भी हमारे मतलब आप समझ सकते हो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम बेसिकली प्रोटीन के प्रोडक्शन में करते हैं, बिकॉज वो भी तो डेड सेल ही होते हैं। तो ये बात आपको समझ के रखनी है अच्छे तरीके से, ओके ना। बट उसके लिए हमें माइक्रोब्स की बहुत जरूरत पड़ती है, कौन कौन से भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो फंगाई है, यीस्ट है, अल्गी है, बैक्टीरिया है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। फंगाई में कौन सा, तो एस्पर्जिलस नाइजर, याद करना पड़ेगा आपको, आई एम सो सॉरी, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जैसे मेरा नाम प्रशांत है वैसे इस फंगाई का नाम है, आप यीस्ट का नाम है, अल्गी का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। तो यहाँ पे फिर आगे ट्राइकोडर्मा वेरिडे, फिर उसके बाद हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद कैंडिडा या फिर यूटिलिस, ओके, देन हमारा स्पायरोलिना, फिर हमारे पास क्लोरिला, और इसके बाद ऐसे मिथाइलोफिलस या फिर बैसिलस मेगास्टेरियम, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल करना चाहो कर लो, फटाफट आप एससीपी बना सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, तो इसमें हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हम लोग हायर रेट में मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं और तो और क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम किसी भी चीज की। माइक्रोब से इजिली जेनेटिकली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, यानी जिससे हमारा प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से ही बनता है, तो इसका कॉम्पोजिशन हम पा सकते हैं, और तो और परसेंटेज बाय वेट भी हम बढ़ सकते हैं, मतलब बायोमास ज्यादा बढ़ेगा, प्रोटीन का वजन ज्यादा बढ़ेगा, प्रोटीन दुनिया में ज्यादा आएगा, इंडिया में ही नहीं बल्कि हर कंट्री में प्रोटीन ज्यादा बढ़ेगा, जिससे प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और तो और बहुत सारे गुड रिसोर्सेस लाइक विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल, क्रूड फाइबर्स, इन सभी को भी हम सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एससीपी। तो एससीपी दुनिया के लोगों की नीड को पूरी करता है ये टेक्नोलॉजी, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कुछ भी नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, बस इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा बायो फोर्टिफिकेशन। अब देखो इसमें भी क्या नोट्स बनाना, आपकी बुक में पहले से नोट्स देके रखा है। तो बायो फोर्टिफिकेशन एक्चुअली क्या है, तो ये भाई एक टाइप का मेथड होता है जिसमें ना हम लोग नई नई क्रॉप्स के ब्रीड को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, मतलब ऐसे ब्रीड बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विटामिन हो, मिनरल के साथ साथ फैट्स हो या न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा हो उसमें, और जिससे कि मैल न्यूट्रिशन ना हो। मतलब ऐसा आजकल हो रहा है कि हम कितना भी चावल दाल खा लें लेकिन हमें कोई विटामिन नहीं मिलता, कोई प्रोटीन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग ना मतलब ऐसा अजीब से ही रहते हैं, मैल न्यूट्रिशन हमें रहता है। तो इसलिए बायो फोर्टिफिकेशन किया गया है, जिससे कि अगर हम जो खाना खाएं उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। उसके लिए क्या करता है बायो फोर्टिफिकेशन की मदद से, आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप प्रोटीन कॉन्टेंट एंड क्वालिटी के साथ ले सकते हो, फिर ऑयल कॉन्टेंट एंड क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, विटामिन का कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक कॉन्टेंट एंड क्वालिटीज भी उसकी बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है विद द हेल्प ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट है, बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं हमारे बायो फोर्टिफिकेशंस के, फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड मेज, फिर उसके साथ साथ हमारा ट्वाइस द अमाउंट की कर देता है किसी भी चीज की, लाइक हमारी जो अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है, तो इसके अमाउंट को क्या करता है, ये डबल कर देता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ कर रखनी है। और तो और जो वीट होता है, लाइक वीट की एक वैरायटी है एटलस 66, जिसके अंदर इतना खतरनाक तरीके से ज्यादा प्रोटीन होता है और आयरन होता है कि मैं क्या बताऊं,
ऐसी आयरन फोर्टिफाइड राइस जिसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है, करीबन 5 times मोर आयरन रहता है हमारा, मतलब इसमें ये बात आपको समझ के रखनी है। और तो और जो वेजिटेबल है ये क्रॉप्स लाइक कैरेट, स्पिनच और बहुत सारे विटामिन ए वाले मटेरियल है, लाइक टोमेटो से विटामिन ए मिलता है, स्पिनच से विटामिन ए, कैरेट से, रेड वाले जितने भी सबसे विटामिन ए मिलता है, तो इनका प्रोडक्शन हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और तो और विटामिन सी इनरिच जो बिटर गॉड्स होता है एंड टोमेटो, मैंने बताया ना आपको टोमेटो, वो सबका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IARI। आपको मालूम होगा IARI क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ राइस इंडस्ट्री, तो ये आपको हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया है, तो ये आपको सारी चीजें पता है, ठीक है, जिसे कि आपको अच्छे से जानकर रखना है। अब आते हैं मैटर एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो होती है ना आपको अच्छे से समझना है, देखो एनिमल को हस्बेंड्री यानी हस्बैंड क्या करता है, जस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट देता है और सपोर्ट करता है, ये सब हस्बेंड्री का काम होता है, मतलब हस्बैंड का काम होता है। तो एनिमल की हस्बेंड्री करने मतलब क्या करेंगे, आप ही बताओ। तो एनिमल्स की हस्बेंड्री में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम ऐसे ऐसे ब्रीड्स बनाएंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी एग्रीकल्चरिंग सिस्टम में एनिमल हस्बेंड्री का इस्तेमाल होता है। जो दुनिया में ऑलरेडी लिव स्टॉक अवेलेबल है, लाइक बफेलो है, काउज है, पिग्स है, हॉर्सेस, कैटल, शीप्स, कैमल्स, गोट्स, ये जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है, एज वेल एज जो इनका ह्यूमन जिन्ना इस्तेमाल करता है जिनका, तो ऐसे लिव स्टॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग उनकी ब्रीडिंग करते हैं और उनमें नया नया साइंस का इस्तेमाल करके, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे ब्रीडिंग बनाते हैं उनकी, जिससे अंदर ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर कोई डेयरी प्रोड्यूस करता है जैसे काउ वगैरह दूध देती है, तो इनके अंदर मिल्क का ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, हॉर्सेस के पास पावर ज्यादा हो, कैटल हो उनके पास मतलब मीट ज्यादा हो, शीप्स के पास मीट ज्यादा हो, कैमल है, ये सभी का इस्तेमाल उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू और बायोमास की जो वैल्यू है उसको हम लोग ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट करवाते हैं। तो ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में हम करते हैं, ये बात आपको पता है। आई होप आपको मालूम होगा एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली बी का प्रोडक्शन है। ऐसी और तो और बता दूं आपको, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स होती हैं उनका प्रोडक्शन हम करवाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू और उनका ज्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू और उनसे जो जिसमें मतलब मान लो जैसे कि बी का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, तो हमें हनी चाहिए होती है, तो बी का हम लोग यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं जिससे कि हमें ज्यादा अमाउंट में हनी मिल सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अच्छा खासा प्रोडक्शन के लिए एनिमल हस्बेंड्री में, ओके, ये बात आपको समझ के रखनी है। और तो और मैटर जो मैनेजमेंट होता है फार्म्स का या फार्म एनिमल, जो आपको पता होंगे फार्म एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इनका इस्तेमाल क्यों होता है, वेटरनरी सुपरविजन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और हाई यील्डिंग के लिए। आप बोलोगे वैक्सीनेशन के लिए क्यों करते हैं, देखो जैसे कि आपको पता है कि अभी रैट हो गया या रैबिट हो गया या फिर काऊ है या कोई गोट है, इन सभी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन आई तो मंकी का भी एक अच्छा सा मतलब फार्म एनिमल्स इसे भी कहते हैं, इसका भी हम लोग फार्मिंग करते हैं मंकी का भी। तो उस मंकी के अंदर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं जितने भी वैक्सीन आती हैं, ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फार्म एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। और तो और हम लोग एनिमल ब्रीडिंग भी करते हैं। अब बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है, तो ब्रीडिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब एक एम रखता है हमारा एक एम होता है जिसमें हम इंक्रीज मतलब ट्राई करते हैं कि हमारे एनिमल्स के अंदर इंप्रूव हो डिजायरेबल क्वालिटीज। जैसे हमें चाहिए कि हॉर्सेस मजबूत हो, काऊ से ज्यादा मिल्क मिले, बफेलो जो भी है जो उनका काम है वो ज्यादा करें अच्छे से, तो सारी चीजें उनसे क्वालिटी हमें ज्यादा मिले, ये हम ट्राई करते हैं किसी भी एनिमल में जब हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं। तो ये हमारे एनिमल ब्रीडिंग का ज्यादा सबसे बड़ा मेन लक्ष्य होता है, ये बातें आपको अच्छे से समझ कर रखनी है। नाउ व्हाट अबाउट ब्रीड, व्हाट इज ब्रीड एग्जैक्टली। सो ब्रीड में बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल कहलाता है जिसमें हम लोग डिसेंट एंड सिमिलर मोस्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन, इन सब के साथ डील करते हैं। जैसे कोई बफेलो है तो उसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि उसके अंदर का जो मतलब फीचर्स हैं, उसके अंदर का जो साइज है, उनके अंदर कॉन्फिगरेशन है, कितना बड़ा है वो, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ये सब परफेक्टली मेंटेन रहे और उसके अंदर डिसेंट तरीके से उसके अंदर ग्रोथ हो और इंक्रीज रहे, ये सब हम चेक करते हैं ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग की बेसिकली दो दो टेक्नोलॉजीज होती है, पहला है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है हमारा बहुत सारे यहाँ पे देखो आउट ब्रीडिंग। देखो अभी हम देखते हैं इन ब्रीडिंग क्या होती है। इन ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई आपके सामने एक जनरेशन है, आपके सामने एक कोई जनरेशन है और इस जनरेशन में क्या होता है कि दो लोग मिलके जैसे आपने कुछ नया बनाया, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका भी किसी ना किसी फिर हम कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर इसके आगे एक और जनरेशन बनाएंगे। ऐसा करते करते करीबन हम 4 to 6 जनरेशन तक हम सारी चीजें क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। करीबन 4 to 6 जनरेशन, कितनी जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन तक हम लोग ऐसी ब्रीडिंग करते हैं, मतलब खुद ही सेम स्पेसीज में ही हम ब्रीडिंग करवाते हैं जिससे हमें होमोजाइगोसिटी मिलती है, मतलब सेम
सेम जायगोट हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीजें हम इन ब्रीडिंग में करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन बातों को आपको अच्छे से समझ कर रखना होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है अपने आप में। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से समझ कर चलना पड़ता है और इन ब्रीडिंग के मामले में, ठीक है। इसमें और तो और जानते हो क्या होता है, बहुत सारे आमतौर एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर हम प्योर लाइन एनिमल फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिसमें कि सिमिलर कैरेक्टर्स हो और प्योर कैरेक्टर हो, मतलब ऐसी कोई चांस ना हो जिसके अंदर रेसेसिव जीन्स आ जाए। अब तुम्हें पता है डोमिनेंट जीन्स और रेसेसिव जीन्स क्या होते हैं, रेसेसिव जीन्स बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये सारे रेसेसिव जीन्स बिल्कुल भी ना रहे, इसके लिए हम लोग प्योर लाइन्स का मतलब प्योर लाइन वाले एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है प्योर लाइन क्या होती है, ठीक है। और तो और हम सुपीरियर जीन्स को एक्युमुलेट करते हैं, एक्युमुलेट करना मतलब इकट्ठा करते हैं सारे एनिमल्स में, ऐसा ट्राई करते हैं कि एक बेस्ट वैरायटी वाला, एक बहुत ही अच्छे वैरायटी वाला, एक बेस्ट डोमिनेंट प्योर लाइन एनिमल हमें मिले जिससे कि हमारा अच्छा खासा इनब्रीडिंग हो सके। ये बातें हम ट्राई करते हैं। और तो और अभी आउटब्रीडिंग में समझते हैं, तो आउटब्रीडिंग में क्या होता है कि इसमें ना अनरिलेटेड एनिमल जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता ऐसे एनिमल्स को हम लोग एक साथ ब्रीड करवाते हैं और इसको भी हम 4-6 जनरेशन तक ब्रीड करते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप की टेक्निक और होती है, एक का नाम है आउट क्रॉसिंग, एक का नाम है क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि ये ना बेसिकली ऐसा मतलब इन्वॉल्व होता है इसमें कि जो हमारा एनिमल है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का हो। इसमें बेसिकली क्या हो कि जो भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करते हैं वो इंटर स्पेसिफिक हो, और आउट क्रॉसिंग में बेसिकली हम हेल्प करते हैं कि रिमूव हो जाए इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब कि यार आउट क्रॉसिंग में हम वो करते हैं जिससे कि हमारा ट्राई हो कि जो जिसे कि अभी देखो अभी हमारा जो भी मतलब जनरेशन है, तो मेरे मतलब हमारे ग्रैंडफादर से ग्रैंड और बड़े वाले ग्रैंडफादर ऐसा करते 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 हमारे पास ऐसे मेरे अंदर एक जनरेशन आया है, तो अगर हम लोग क्या हो गया होमोजाइगोसिटी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है, ऐसे होता है। बट अगर हम लोग आउट क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो भी होमोजाइगोसिटी है वो निकल जाए। जैसे कि सपोज दैट अभी जो है कि मेरी स्किन है वो मतलब देखो कैसा है ना कि मैं एकदम नॉर्मल हूं, मेरी स्किन ना तो मतलब एकदम यूरोपियन जैसी है और ना ही मेरी मतलब साउथ इंडियन जैसी है, मतलब समझ सकते हो ना जैसे मुंबई के लोग रहते हैं वैसी है, ठीक है। सो वैसा मेरे पूरे फैमिली में सभी की है, तो ये क्या है एक जनरेशन में मतलब स्किन कलर आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि ऐसी आपने देखा रहेगा कि अब ऐसी जनरेशन अब जिसे मेरे अंदर आ गई, अब सपोज इंसान ऐसे कोई एनिमल है उसके अंदर भी ऐसा कुछ रहे और हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें वो डिजायर वैसी नहीं चाहिए, तो हम लोग फिर आउट क्रॉसिंग करते हैं जिससे कि ना ऐसा इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए। ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग भी हम करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिकली सुपीरियर मेल का इस्तेमाल करते हैं और सुपीरियर फीमेल का इस्तेमाल करते हैं और दोनों से एकदम सुपीरियर वाला जो भी चीज हमें मिलती है वो हमें मिल के आता है क्रॉस ब्रीडिंग में। एक एग्जांपल इसका नाम कहते हैं हिजार्डेल, आप इसे गूगल में सर्च करना, एक नाम है इसका हिजार्डेल, इसे सर्च करना आपको पता चलेगा कि एक न्यू ब्रीड है बीकानेरी एंड मरीनो रैम्स का जो पंजाब में होते हैं, आपको समझ के रखना है। तो ये आप एक बार गूगल में सर्च करो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी एग्जैक्टली क्या होता है। ऐसे एक है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें ना बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनिमल का ब्रीड करते हैं जो कि अनरिलेटेड या फिर रिलेटेड स्पेसीज होती हैं, और तो और इसमें फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए होता है, हमारी इच्छा जिस भी कैरेक्टर को लेने की होती है वैसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को दोनों पेरेंट्स से हम निकलवाने की ट्राई करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। लाइक की हमारा देखो जैसे म्यूल है, म्यूल तो हमने म्यूल को क्या किया कि ऑब्टेन करते हैं डोंकी और हॉर्सेस से, ठीक है, हॉर्सेस को और डोंकी को एक साथ अगर आप मतलब इसके अंदर अगर आप कॉपुलेशन करवाते हो तो जो भी इससे बन के आएगा वो म्यूल बन के आएगा, जिसे हम कहते हैं खच्चर, खच्चर कहते हैं हिंदी में, ना तो गधा होता है और ना ही घोड़ा होता है, ये ऐसे रहता है, मतलब डोंकी और हॉर्स दोनों का मिला के आप सोचो ना कैसे ये बनेगा, मतलब खच्चर होता है ये, समझा। तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसे हम कहते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सपोज दैट आपने अगर हॉर्स को लाया और अपने डोंकी को साथ में लाया, अब अगर ये कॉपुलेशन नहीं करे तो फिर आप क्या करोगे बताओ जरा, क्या जबरदस्ती करवाओगे क्या, ऐसे होता है ना, अभी समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में हम इनसेमिनेशन करते हैं, मतलब डोंकी से अगर कुछ भी कर रहे हैं तो जैसे क्या होता है ना कि हॉर्स में से हम स्पर्म निकालेंगे और डोंकी के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम इनसेमिनेट करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। इसके थ्रू हम मतलब ब्रीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जैसा सीमेन चाहेंगे वैसा सीमेन भी हम लोग किसी भी सुपीरियर मेल में कलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जिसके जनरेटेड ट्रैक्ट से इमीडिएटली डायरेक्टली हम लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब किसी भी फीमेल वाले एनिमल के अंदर जनरेटेड ट्रैक्ट से उससे हम जबरदस्ती उसके अंदर बहुत सारे मतलब स्पर्म्स या सीमेंस डाल देते हैं जिससे कि उसके अंदर प्रोडक्शन होने लगता है। अब अगर आप किसी भी मतलब किसी एनिमल के अंदर आप मंकी का डालोगे तो फिर उसके अंदर और कुछ न्यू निकलेगा, तो ऐसा हम लोग एनिमल
हस्बेंड्री के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स के स्पर्म को निकालते हैं और उसको हम दूसरे के अंदर डालते हैं और फिर उससे क्या नया बनता है, तो इंसान यही सब कर रहा है आजकल, खेल कर रहा है और क्या करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल मेटिंग अगर नहीं होती है तो मतलब जैसे कि देखो नॉर्मल मेटिंग बहुत सारे एनिमल नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा जिसके घरों में या जिसके गांव वगैरह में बफेलो या फिर भैंस होती है जो उनके उनका प्रोडक्शन करवाने के लिए मेटिंग करवाई जाती है, आपने देखा भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एनिमल्स में ऐसा होता है, ठीक है। सो इससे ओवरकम करने के लिए डायरेक्टली इंसेमिनेशन भी करवाते हैं आजकल, मतलब किसी, जैसे कि आपको पता होगा कि युवराज नाम का पंजाब में एक ऐसा बहुत बड़ा मतलब भैंसा है, भैंसा ही उसे कहेंगे फिलहाल तो, ठीक है। तो वो भैंसे का जो स्पर्म है करीबन बहुत महंगा बिकता है, उस भैंसे का स्पर्म करीबन अगर आप एक बार लेने जाओगे तो करीबन 50,000 से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन उसका स्पर्म अगर आप इस्तेमाल करोगे किसी भी, अगर आप मतलब काऊ में या किसी भी बफेलो में, तो सोच लो कि जो उसका ब्रीड बनेगा ना तो इतना खतरनाक बढ़ेगा ना कि उसके अंदर से जो भी मतलब मिल्क प्रोड्यूस करेगा करीबन 30 लीटर 35 लीटर इतना मिल्क भी प्रोड्यूस करके देते हैं, सोचो। तो इतना ज्यादा मतलब ये सारी चीजें हैं आज के वक्त में, उस युवराज नाम के बफेलो या जो भी वो भैंस है यार, भैंसा है जो भी उसे आप कहो, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए तक में भैंसे बिकते हैं, तो इतना महंगा होता है। तो ये सारी चीजें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ के चलनी पड़ती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर एमओटी के बारे में, एग्जैक्टली ये क्या है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ना प्रोवाइड करते हैं चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स की, मतलब जो नए नए हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें ना हम लोग सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो इसका ट्राई करते हैं एमओटी में। बेसिकली इसमें हम लोग ना FSH का इस्तेमाल करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब जैसे कि मान लो हमने किसी के जेनिटल पार्ट्स में से सीमेन को डाल दिया, लेकिन उसके अंदर अगर मान लो फॉलिकल ही नहीं रहा तो फिर कैसे प्रोडक्शन होगा। जैसे इंसानों में भी होते हैं फीमेल के अंदर, फिर स्पर्म जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है, बट अगर यहाँ पे फॉलिकल नहीं रहे तो उससे पहले हम जबरदस्ती जानबूझ के बाहर से किसी भी काऊ में या किसी के भी अंदर FSH नाम का हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसे अंदर डालते हैं, जिससे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स मैच्योरेशन में आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा अपना सीमेंट डाल देते हैं और फिर क्या होता है कि प्रोडक्शन होने लगता है। तो हर एक साइकिल में करीबन 6 से 8 eggs मैच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली, ये बात आपको समझनी है। या तो चाहे काऊ में कर लो या फिर किसी और में, इलाइट बुल में भी आप कर सकते हो, किसी में भी आप नेचुरली इनसेमिनेट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिसमें चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसमें से बेसिकली 8 से 32 सेल्स की स्टेज में सारी चीजें कवर होती हैं, और तो इसमें से आप कैटल है, शीप है, रैबिट है, बफेलोज है, आप सब किसी में भी परफॉर्म कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली सभी में काम आई है, इससे अच्छी अच्छी ब्रीड्स भी हमें मिली है और अच्छी अच्छी फीमेल्स और हाई क्वालिटी वाली यील्डिंग भी हुई है। बेसिकली एनिमल्स में हम ट्राई करते हैं कि हमें फीमेल ही मिले, बट हम लोग ह्यूमन बींग्स में नहीं ट्राई करते कि हमें फीमेल्स मिले, पता नहीं ऐसा इंडिया में क्यों होता है, फीमेल्स भी बेस्ट होते हैं बट एनिमल्स में हमेशा ट्राई करते हैं कि फीमेल मिले। वाई? बिकॉज इंसानों की नीड फीमेल से ही पूरी होती है एनिमल्स के केसेस में, बिकॉज एनिमल फीमेल वाले एनिमल से ही हमें मिल्क मिलता है। अभी मेल तो मिल्क देगा नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बफेलो में जो मेल वाला बफेलो रहेगा वो तो मिल्क नहीं देगा ना, बुल थोड़ी मिल्क देता है, लेकिन जो भैंस है वही मिल्क देती है ना, तो फीमेल की ज्यादा डिमांड होती है किसी भी चीजों में। तो ये भी हम अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी शॉर्ट पीरियड में हम बड़ी बड़ी चीजों को प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता भी है। ऐसे बहुत सारे मार्केट डेयरी प्रोडक्ट है। अब देखो अगर आपको इसे पढ़ना है ना, तो ये अपना आप Science 2 में चले जाओ, Science 2 में Science 2 में चैप्टर नंबर 7 Class 10th में चले जाओ, आपको वहां भी ये सारा डेयरी फार्म मिल जाएगा। बहुत सारा डेयरी फार्म में बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क को या मिल्क के प्रोडक्ट को, और ये बहुत सारे वैल्यूएबल फूड स्टफ्स होती हैं यूनिवर्सली जो कंज्यूम किए जाते हैं बाय द ह्यूमन बींग्स, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और तो और बहुत सारी क्वालिटीज है जो ब्रीड्स जिसमें मिलती है, क्वालिटी वाले ब्रीड्स और गुड ब्रीड्स जो हमें मिलती है, सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज जो रेजिस्टेंट है, हमारे रेजिस्टेंस हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है उनका भी इस्तेमाल हम लोग करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इनहेबिटिंग एरियाज होते हैं जिसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डेयरी फार्म्स का। तो आप पता है डेयरी फार्म किस लिए इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली काऊ से या फिर मिल्क है या मिल्क से घी है, सारी चीजें हम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में बेसिकली काऊ और बफेलो का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेयरी फार्म्स। फॉर एग्जाम्पल साहिवाल, सिंधी और गिर, इंडियन ब्रीड्स लाइक जर्सी, ब्राउन, स्विस है ना, होल्स्टीन, एक्सोटिक ब्रीड्स, ये सारी चीजें मतलब एक्सोटिक ब्रीड्स हैं सारी चीजों के, जिससे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से डेयरी फार्मिंग में हेल्प होती है। आपको पता है इंडिया में जर्सी जो मतलब होती है गाय होती है, या ब्राउन स्विस जो गाय होती है, साहिवाल और सिंधी गाय बहुत ज्यादा मिल्क देती है,
ठीक है। बफेलो में मतलब क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है सम पार्ट ऑफ एशिया में, मतलब देखो बफेलो ना बहुत ज्यादा हर जगह नहीं होती है, मतलब भारत देश में बफेलो बहुत है लेकिन और भी हर जगह बफेलो नहीं होती है, ठीक है ये बात आपको समझनी है। बेसिकली इंडिया में इसके 6 से 7 ब्रीड है, जैसे कि देखो जफरबड़ी है, फिर मेहसाना है, मुर्रा, आपको पता होगा मुर्रा नाम की जो हमारे पास मतलब भैंस होती है वो बहुत मिल्क देती है, और आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुर्रा नाम की भैंसेस बहुत इस्तेमाल होती है, ऐसे नागपुरी, नीली है, सूरती है, ऐसे बहुत सारी भैंसों के टाइप होती हैं, ऐसी भैंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ कर रखनी है, जो ये बहुत मिल्क भी देती हैं, इवन 15-15 लीटर एट ए टाइम मुर्रा नाम की भैंसें देती हैं, सोचो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। जफरबड़ी तो बहुत देती है यार, मतलब ये महंगी भी बहुत बड़ी ब्रीड होती है, तो ये सबका ब्रीड होता है जिसमें से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ऐसे कैटल्स का प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मिलती है हमें प्रॉपर रेशियो में, और ऐसे बहुत सारे सिलेज ऑफ द लेग्यूम्स है, ग्रासेस है, मेज, ज्वार, मेक्स, गुड फूड्स, सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती है मतलब इसी डेयरी फार्म के वजह से। अब हम आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। अब आपको पोल्ट्री तो पता ही होगा ना, क्यों फार्मिंग करते हैं भाई, पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का प्रोडक्शन करते हैं। हमें बर्ड से बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमारी जरूरत होती है चिकन्स की, डक्स की, टर्की है, और बहुत सारे ऐसे फॉल्स होते हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के फॉर्म में पोल्ट्री करने के लिए। हम बेसिकली एग के लिए और मीट के लिए बर्ड्स का पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, वरना अगर हम मतलब नॉन वेजिटेरियन ही इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अगर दुनिया से सारे नॉन वेजिटेरियन खत्म हो जाएं तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग भी खत्म हो जाएगी, और अगर दुनिया में नॉन वेजिटेरियन ज्यादा रहेंगे तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब एनिमल्स को मार के खाने वाले इस दुनिया में बहुत आजकल फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग खाते भी हैं, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, अपने को क्या करना है। सो मीट है और एग है, इसके लिए बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। अब देखो अगर आप नॉर्मल मुर्गे को खाओगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मीट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्रॉयलर्स या फिर लेयर्स नाम के मुर्गे को खाओगे तो इसके अंदर ज्यादा मीट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रीड बहुत सारी हैं, सुटेबल है और सेफ है, कंडीशन में होती है। आपको पता होगा दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती है नॉन वेजिटेरियन से ही फैलाते हैं बेसिकली, ऐसा मैं कहूंगा। क्यों ऐसा कहूंगा कि आपको पता है कोरोना भी कहां से आया, मतलब जहां से मच्छी मार्केट था वहीं से कोरोना फैला है। अगर ये नॉन वेज की दुकान या शॉप्स ना होती तो कुछ नहीं होता। तो ये सब कुछ मतलब अगर कुछ ना कुछ तुम गलत करोगे तो गलत तो मिलने ही वाला है। आजकल दुनिया में क्यों कोरोना फैल रहा है, जितने लोग भी नॉन वेज खाते हैं उनको पहले कोरोना हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, तो आप ये एनालिसिस बता रहा है, ये एनालिसिस बता रहा है। अब चाइना में सबसे पहले क्यों फैला, बिकॉज वहां के लोग सांप, बिच्छू, केकड़ा, पतिडा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी खाते हैं यार, कुछ भी खाते हैं, तो इसीलिए मतलब ज्यादा बीमारियां वहां फैलती हैं, वहां के लोग ज्यादा जल्दी मरते हैं, यही रीजन है। इंडिया में भी सबसे पहले उसी को हुआ जो नॉन वेज खाता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब करोगे तो वैसा होगा, भरना तो पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो इसीलिए प्रॉपर फीड हो, वाटर, हाइजीन, ये सब हेल्थ वगैरह अच्छे से मेंटेन रहे, ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वेज भी खाते तो भी आपकी अच्छी खासी हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है, बट कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन्स डिफरेंट टाइप के पोल्ट्री ब्रीड्स होते हैं, लाइक अमेरिकन ब्रीड है, प्लायमाउथ रॉक होता है एक जिसका नाम है, फिर ऐसे हमारा न्यू हैम्पशायर है, या फिर रॉड है, आइसलैंड रेड है, फिर ऐसे एशियाटिक ब्रीड होता है, ब्रह्मा करके इसका नाम है, कोचिन एंड लैंशन इसका एक नाम है जिसका ब्रीड है बर्ड्स का, एक मेडिटेरेनियन ब्रीड होता है, या लेग हॉर्न जिसे आप कह सकते हो, जिसे आप खाते भी रहोगे, आई डोंट नो, फिर ऐसे मोनार्का, इंग्लिश ब्रीड सिंग्लूड और ऑस्ट्रालपा, ऐसे बहुत सारे हैं। इंडियन ब्रीड्स में ऐसे बहुत सारे चिट्टागोंग है, असील है, ब्रह्मा है एंड कड़कनाथ है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे ब्रीड्स होते हैं बर्ड्स के जिसने इंसान खाने में हेल्प करता है, मतलब खाने में इस्तेमाल करता है, ऐसे इनमें बहुत सारे, देखो आ गया, बोलो ना डिजीज तुरंत आएगा, पहले आएगा डिजीज यार, है ना, तो इनमें डिसीजन ही बहुत फैलती है। अब देखो दुनिया में एक बीमारी है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किससे होती है, पक्षियों से ही तो होती है, और बहुत सारे छींकने से होती है, स्नीजिंग करोगे उससे होती है, तो ये सब वायरल डिसीज लाइक रानी खेत है, ब्रोंकाइटिस, देखो अस्थमा जिसे होता है, अस्थमा किसको हो रहा है आजकल जो ज्यादा नॉनवेज खाता है, अब बताओ आप लोग ही, एवियन इन्फ्लुएंजा लाइक बर्ड फ्लू है, फ्यू इयर्स पहले तो आजकल बर्ड फ्लू इतना फैला था कि क्या बताऊं, मतलब दुनिया में बहुत ज्यादा बर्ड फ्लू फैला था। तो ये सारी चीजें, ऐसे बैक्टीरियल डिसीज भी होती है इनसे, तो जैसे कि बहुत सारी बीमारी लाइक टीबी, टाइफॉइड, कॉलरा, पोलियोमेलाइटिस, सीआरडी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, एंटेराइटिस, ये सब नॉन वेजिटेरियन को ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे फंगल डिसीजेस लाइक एस्पेरिजिलोसिस है, फेवोस थ्रश, ये सारी बड़ी बड़ी डेंजरस बीमारियां होती है। पैरासाइटिक डिसीज में इंफेक्शंस है, राउंड वर्म्स, देखो जिसको दांत खाज खुजली किसको होती है, ज्यादा नॉनवेज खाता है, ऐसे केसियल है, ऐसे बहुत सारे सेसियल वर्म इन्फेक्शन जिसके बाथरूम से देखो ऐसे कीड़े निकलते हैं, उनको भी यही होता है। आजकल बहुत सारे लोगों को एम्ब्रायनो डिसीज होती है, बहुत सी ऐसी फीमेल होती है जिनके अंदर मेल वाले कैरेक्टर आने लगते हैं,
आपको मालूम होगा ऐसी बीमारियां भी आजकल हो रही हैं, आपको पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोअन डिसीज होती है, जैसे कि कहते हैं कॉक्सिडियोसिस या प्रोटोजोअन डिसीज। तो ये बहुत सारी डिसीजेस सिर्फ नॉनवेज खाने से फैलती है। ये बात आपको समझनी है तो मत खाओ यार, क्यों खाने की जरूरत है, क्या दाल चावल घर में नहीं मिलता क्या? चलो अभी यहाँ देखो एपिकल्चर और बी कीपिंग में देख लो यहाँ पे। तो अब इसमें क्या होता है, एपिकल्चरिंग आपको मालूम है, बी का कीपिंग पहले क्यों करते हैं भाई, बी से सिर्फ हमें हनी मिलती है, इसके लिए हम लोग बी कीपिंग करते हैं, ये आपको भी पता है अभी, ठीक है। चलो फिर भी आपको अच्छे से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बी कीपिंग क्यों करते हैं। बेसिकली देखो एपिकल्चरिंग में बेसिकली बी कीपिंग करते हैं, ये बेसिकली हमें हनी मिलने के लिए किया जाता है। इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक हनी है, वैक्स मिलने के लिए, पॉलेंस है, बी वेनम, बी का वेनम मालूम है, बी का जो हमारा हनी जो हमारी रहती है, मतलब यार बी को क्या बोलते हैं हिंदी, मधुमक्खी, उसका वेनम जो जहर होता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। प्रोपोलिस है, ब्लू मतलब बी ग्लू होता है जो उसे मिलता है हमें। फिर ऐसे रॉयल जेली जो होती है उसे हमें लेना होता है। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग एपिकल्चरिंग में करते हैं। और भी इस्तेमाल लाइक आपको मैं बताता हूँ, मैं देखो बहुत सारे हनी होती है, इसमें फूड प्रोडक्शन और हाईली न्यूट्रिटिव भी होता है इसका फूड प्रोडक्शन, और जो हमारा हनी होती है वो बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज होती है बी की, जैसे कि हमारा है एक एपिडॉर्साटा जिसे हम कहते हैं, फिर है हमारा एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका। तो ये आपको तीनों के नाम अच्छे से आपको याद करने हैं, मतलब जहाँ अलग अलग जगह की अलग अलग मधुमक्खियों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। रॉक भी है, लिटिल भी है, देखो जो पत्थरों में होती है, एक छोटी भी होती है, कि यूरोपियन होती है, कि इंडियन होती है, ठीक है। ये एपिस इंडिका आपने जानते भी रहोगे। चलो आपको दिखाता हूँ सारी बी के बारे में। आपको पता है बी के अंदर एक रानी होती है जिसे हम क्वीन कहते हैं, और क्वीन ही क्या करती है, बहुत सारे वर्कर्स को क्या करती है, जन्म देती है, ये बात आपको पता है। और ये ड्रोन होते हैं, बेसिकली ड्रोन और क्वीन क्या करती है, मेटिंग करते हैं और इससे हमारे वर्कर्स निकलते हैं। वर्कर का सिर्फ काम क्या होता है, ये बहुत ज्यादा दूर दूर से फ्लावर्स में से सारी चीजों को लेकर के आते हैं, इससे हनी बनता है। और क्वीन का सिर्फ एक ही काम होता है कि क्वीन ना सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सभी को जन्म देती है, रिप्रोडक्शन करती है सभी का, ठीक है। और क्वीन सभी को पैदा करती है, और बेसिकली क्या होता है ना, क्वीन ना जितने भी वर्कर्स है उनको निकालने में हेल्प करती है। ये ड्रोन सिर्फ क्या करते हैं, ड्रोन का सिर्फ एक ही काम है कि ये इनका सिर्फ एक काम है कि ये क्वीन के साथ मीटिंग करते रहे, समझ गया, सिर्फ ड्रोन का यही काम होता है और ड्रोन का कुछ काम नहीं है। मतलब ये ड्रोन हमेशा क्वीन के साथ मीटिंग करते रहते हैं और जिससे कि हमारे वर्कर्स आते रहे और वर्कर सारे काम करते रहे, बस यही बी में चलता है, ये दिस इज द रियलिटी, ठीक है, ये बात आपको समझना है। और ड्रोन यहाँ और कुछ नहीं करता है, ठीक है, इसके पास कोई ताकत नहीं होती ना। आगे बढ़ते हैं अभी पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बी, अभी ये समझते हैं क्या है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म हनी बी में क्या होता है, बी जो होती है एक बहुत ज्यादा कीपिंग होती है, एक प्रैक्टिसिंग करते हैं हम लोग एरियाज में, बहुत सारे अलग अलग सफिशियंट वाइल्ड श्रब्स होते हैं वहां पे, इसका हम लोग प्रेजेंसी लगाते हैं वहां पे, हम लोग इसको कल्टीवेट करते हैं, प्रेजेंट रखते हैं इनको, बहुत सारे इक्विपमेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हाइव्स, अभी दिखाऊंगा हाइव्स क्या होती है, बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस में इनका इस्तेमाल करके, ग्लोब्स का इस्तेमाल करके, गम शोज है, ब्रश है, इन सब का इस्तेमाल, नाइफ और सब का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर अपने आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो दिस इज दी हनी बी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से होता है, ये आउटर एरिया है, इनर एरिया, अभी रियल में बॉक्स होता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। सो दिस इज द रियलिटी, ठीक है, ऐसे फ्लोर बोल्ड है, फिर ऐसे एंट्रेंस रिड्यूसर, हाइट बॉडीज, तो ये आप सब आपको समझ के रखना है। अभी इसको आपने किसी ने देखा नहीं है तो आप बस आपको इस बोर्ड एग्जाम को, ये 2017 के पेपर में ये आया भी था, तो आप इसे प्लीज अच्छे से पढ़ के रखो अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। अब ऐसे आपको दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल बी हाइव्स भी बनाए गए हैं आजकल, आपने अभी भी देखा, इसमें क्या होता है बी का हम सिलेक्शन करते हैं, कौन सी बीज का इस्तेमाल करेंगे, एक सुटेबल लोकेशन रखते हैं जहां पे हमारी बी ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, उसे हनी ज्यादा मिले। फिर ऐसे कैचिंग है और हाइविंग स्वॉर्म्स है, ये सब अच्छे से कर सके। आपको मालूम भी है हम हनी आर्टिफिशियल बना नहीं सकते, आजकल दुनिया में जो हमारे शहद होती है ओरिजिनल शहद, वो कैसे बनती है वो किसी को नहीं पता, मतलब बेसिकली जो शहद है वो हनी, वो बी ही बनाती है, ठीक है, इसीलिए हमें हनी बी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आजकल मतलब सोचो भगवान की क्या कलाकारी है कि मतलब आजकल आर्टिफिशियल बी बना रहे हैं लेकिन शहद आर्टिफिशियल नहीं बना पा रहे हैं, वो समझ में आ जाता है कि आर्टिफिशियल शहद कौन सा है, ओरिजिनल शहद ही होता है, ठीक है, तो वो नहीं बना पाते इंसान लोग। अब सोचो क्या ऐसा होता है शहद में, अब सोच सकते हो आप लोग। ऐसे बहुत सारे बी के वैक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हैंडलिंग करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन में किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग हाइप्स बना के रखे, इसे हम हाइप्स कहते हैं, अलग अलग हाइप्स बनाए और इन हाइप्स को हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग जगह में, जहाँ पे क्लीनलीनेस हो, एक्टिविटीज बहुत अच्छे से बीन और क्वीन कर सकें, ठीक है, बहुत सारे मतलब अलग तरीके से सारे वाटर उन्हें मिले, उन्हें बहुत सारी चीजें नेसेसरी जो उनकी है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि अच्छा अच्छा हमें यील्डिंग मिल सके हनी की। अब हम आते हैं फिशरीज में, अब फिशेज के बारे में अच्छे से बात करूंगा। फिशरी भी एक ब्रांच है, अप्लाइड बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है फिशरी, जिसमें की बहुत बड़ा लार्ज वैरायटी होती है फिशरी की, आप पढ़ाई भी कर सकते हो अच्छे से, इसमें फिशिंग के बारे में करना और कुछ नहीं, इसमें बेसिकली कैचिंग होती है,
प्रोसेसिंग होती है फिशेस की, फिश फार्मिंग करते हैं, मार्केटिंग भी होती है फिशेस की, मच्छी मार्केट जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बेचते हैं, किसी एक्वेटिक एनिमल लाइक प्रॉन है, लॉबस्टर है, फिर ऑयस्टर्स है, मसल्स है, क्रैब्स है, इन सबका इस्तेमाल बेचने के लिए करते हैं फिशरीज में, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इनलैंड फिशरीज होती है, मरीन फिशरीज होती है, एस्टुरियन फिशरीज होती है, बहुत सारे फिशेस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। इनलैंड फिशरीज जो बेसिकली होती है, इनमें हम लोग कल्चरिंग या कैप्चरिंग ऑफ द फिशेस करते हैं फ्रॉम द वाटर बॉडीज, और तो और पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स, रिवर्स में से भी हम इनका मतलब ये सारी चीजें पकड़ सकते हैं। अपने फिश मच्छी पकड़ने वाले को जानते भी रहोगे, करीबन 40 से 50 लाख एकड़ की जमीनों में हम लोग आज के वक्त में एक्वेटिक एरिया बना के रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मुंबई जैसे कोस्टल शहर में, अब मुंबई के लोग सभी लोग फिश खाते हैं, जितने लोग भी नॉन वेजिटेरियन है। अब मुंबई जैसे शहर में क्या है कि ओशन बहुत पास्ट में है, मतलब पास में है। गोवा में जाओगे तो आपको वेज जल्दी नहीं मिलेगा, वहां भी नॉन वेज आपको मिलता है। तो ऐसे शहरों में जाना ही क्यों यार, नॉन वेज क्यों खाना, अच्छी बात नहीं होती। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, मालूम भी होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बट क्यों खाते, बिकॉज ना वो अब आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, उनकी आदत है तो खाते रहेंगे। बट फिर भी यहाँ पे इतने एक्वेटिक एनिमल्स को मारते हैं और एक्वेटिक एरिया को मतलब क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और वहीं पे मतलब फिशरीज का फार्मिंग करते हैं। बहुत सारी कॉमन फिशेज होती है लाइक लेबियो, रोहिता, रोहू, कैटलाग, फिसरीनो, मिरिगला जिसे मिरिगला कहते हैं, अदर बहुत सारे कार्प्स होते हैं, आपको दिखाता हूँ सारे के सारे टाइप्स। ये रोहू फिश है, ये कैटला है, ये मिरिगाल है, ये कॉमन कार्प होती है, ये ग्रास कार्प होती है, सिल्वर कार्प होती है, ये सारे फिशेस है बेचारी, इतनी अच्छी दिख रही है, इनको मार के लोग खा जाते हैं, पता नहीं कैसे, इतने निर्दयी होते हैं लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी सेरिकल्चर में बढ़ते हैं, फिशरी खत्म हो गया हमारा। सेरिकल्चर में क्या होता है, सेरिकल्चरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो कि अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर ही आता है, और इसमें बेसिकली सिल्क के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा, अभी हम इसको देखेंगे अच्छे से, सेरिकल्चर में आखिर होता क्या है। बेसिकली इसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं सेरिकल्चर में, और बहुत सारी स्किल और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग रियरिंग और डेवलपमेंट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम इन्वेस्ट भी करते हैं और स्मॉल स्मॉल स्पेसेस में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और तो और बहुत सारी नंबर ऑफ फैमिलीज और सिल्क जो है इंडिया में बहुत इस्तेमाल होता है, तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग सेरिकल्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सेरिकल्चर का इस्तेमाल सिल्क का प्रोडक्शन के लिए ही होता है। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉथ नाम के कीड़े का। आपको पता होगा कि मॉथ जो होता है यही सिर्फ एक ऐसा कीड़ा है जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसमें पहले हम क्या करते हैं, एक लार्वा का इस्तेमाल करते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एग है, और ये एग डेवलप होकर देखो लार्वा बनाते हैं। लार्वा बाद में क्या करता है, इसका जो हेड होता है देखो किस तरीके से यहाँ पे ये बाहर निकालता है, ये हमारा जो मतलब कोकून होता है, आपको पता है ना कोकून, आपने मूवी भी देखी होगी इसके बारे में, बहुत सारे चाइनीज मूवी बनी हुई है, इसके ऊपर कोकून वगैरह निकलता है और बहुत सारे एडल्ट फीमेल्स होती हैं, मतलब एग्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरीके से इसका हमारे मौत का लाइफ साइकिल चलता है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा, ये लाइफ साइकिल मौत का किस तरीके से, मौत यहाँ पे MOTH मौत, इससे किस तरीके से हमारा मतलब सिल्क मिलता है, ये बात आपको समझ रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा एडल्ट फीमेल, ये हमारा मलबेरी लीफ के ऊपर ऐसे बेसिकली सारी चीजें मतलब होती है, और ककून में से हमारा जब ये मौत निकलता है तो ये सिल्क प्रोड्यूस करके जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के चलनी पड़ेगी। और तो और अगला टॉपिक हमारा लैक कल्चर। अभी लैक कल्चर एग्जैक्टली क्या होता है, देखो आपको बता दूं कि लैक जो हो रहा है, होता है ना हमारा, ये एक इंसेक्ट होता है, मतलब लैक हमारे एक इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ट्रैकाइडिया लक्का। क्या नाम है इसका, ट्रैकाइडिया लक्का इसका नाम है, और इसी से हमारा लैक मिलता है। बेसिकली बहुत क्वाइट स्मॉल साइज वाला कोलोनियन हैबिट वाला होता है, मतलब एक अकेला नहीं देता, कॉलोनीज बना के ये ट्रैकाइडिया लक्का नाम का इंसेक्ट रहता है। बेसिकली इससे हमें रेजिन्स मिलते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो डर्मल ग्लैंड से मिलते हैं इसके, मतलब हमारे ये लक्का नाम के जो भी हमारा एनिमल या इंसेक्ट है, इससे हमारे मतलब इसके जो स्किन होती है बाहर की आउटर स्किन होती है उससे हमें क्या मिलता है, रेजिन्स मिलते हैं। और ये बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड्स होते हैं लाइक प्लांट के अंदर, जैसे बर है, पीपल है, पलास है, कुसुम है, बबूल है, इन सबको आप अच्छे से प्लांट्स को सक्सुलेंट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो इस लक्का का इस्तेमाल करके। यहाँ से भी आपको रेजिन्स मिल सकता है। आपको पता होगा रेजिन्स क्या होता है, मालूम ही होगा आपको रेजिन्स क्या होते हैं। और देखो कैसा एक पर्पल कलर का, एक गोल्डन पर्पल कलर का आपको एक चीज किसी भी बबूल के पेड़ के ऊपर से मिलता है, वो निकलता है, देखो ना आपको मिलता है यार, वो ऑरेंज मतलब ऐसा आपको चिपकता है वो, उसी को हम रेजिन कहते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर निकलता है। ये सब मतलब ट्रैकाइडिया लक्का की वजह से ही होता है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। इसमें से बेसिकली क्या होता है ना कि ये प्रोड्यूस करता है लार्ज स्केल में ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह होता है ये, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, हर जगह बबूल होता है। और तो और जो लैक होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से बहुत सारा एक अमाउंट में रेजिन मिलता है। रेजिन के अंदर सुगर, वाटर, मिनरल, अल्कलाइन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये नेचुरल लैक होता है जो कि हमेशा कंटामिनेटेड रह सकता है क्योंकि मतलब धूल मिट्टी सब इसके ऊपर पड़ता है। आपको पता भी होगा यार, आप बबूल के पेड़ के ऊपर स्टेम में जाओगे ना, तो स्टेम में आपको एकदम चूता हुआ, नीचे गिरता हुआ, पिघला हुआ एक उसके ऊपर लगा रहता है प्लांट के ऊपर, वही हमारा होता है लैक, जिसे हम कहते हैं लैक।
लाख भी जिसे हिंदी में कहते हैं, लाख लाख लैक कहते हैं उसे, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, बहुत मतलब न्यूट्रिटिव होता है ये, ठीक है। तो बात आपको अच्छे समझ लेने, बेसिकली 85% ऑफ द टोटल लैक इंडिया से जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, पूरे वर्ल्ड का यहाँ प्लांट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और तो और इसका इस्तेमाल होता है बैंगल्स बनाने में, टॉयज है, वुड वर्क है, इंक है, मिरर है, इन सबको बनाने में हेल्प किया जाता है। इसका आप लाइफ साइकिल देख लो, लाइफ साइकिल ऑफ द लैक इंसेक्ट बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते जानते हो, यहाँ से लार्वा से। अब लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये लार्वा को होस्ट चाहिए रहता है, जैसे कि बबूल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन सभी पेड़ के ऊपर ये होता है। तो ये प्यूपा मतलब इसे कहते हैं, जब लार्वा डेवलप होता है तो उसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा डेवलप होने के बाद यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करता है, यानी कि उसकी बॉडी बनाता है, चाहे वो मेल और फीमेल दोनों बनते हैं। यहाँ पे अडल्ट फीमेल और अडल्ट मेल बनते हैं, दोनों मेटिंग करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका एग बनता है, एग बनने के बाद यहाँ से इसको लार्क का प्रोड्यूस करते हैं। लैक यहाँ पे जैसे प्रोड्यूस होता है तो फिर वापस से एंड ऑफ द एग होता है और यहाँ से हैचिंग होती है, जिसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इस हैचिंग को, फिर उसके बाद वापस से लार्वा बनता है। ऐसे बार बार लैक का साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। एग्जाम में 2 मार्क्स को आ सकता है, इसे अच्छे से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो कि अपने अपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट्स में, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में थोड़ा सा अच्छा सा मैंने 48 मिनट में कंप्लीट किया और बहुत ही आसान पार्ट्स था, तो कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आराम से आपको इस पार्ट्स को समझ के रखना है और बहुत ही आसान भी है। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो, आप चाहो तो यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलेंगे ऐसी वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।